15 अगस्त पर भाषण। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम यहाँ भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार है। इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। यह दिन वह है जब हमें भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कई वर्षों के संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। हम भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदानों को कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने अपने देश के लिए कम उम्र में ही अपनी जान गंवा दी थी। हम नेताजी, गांधी जी के सभी संघर्षों को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। गांधी जी एक महान भारतीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा का एक बड़ा पाठ पढ़ाया था। स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। हमें अपनी सरकार चुनने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आनंद लेने का पूरा अधिकार है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि इस समस्याओं को सुलझाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और भारत को विश्व का बेहतरीन देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।